डाटनगर महोत्सव के पहले दिन अपना कार्यक्रम पेश करने आई मशहूर भजन गायिका स्वाति मिश्रा ने एफटी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से वही नहीं बल्कि पूरा देश पूरा विश्व खुश है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज वह और उनके जैसे बहुत से कलाकार जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। स्वाति मिश्रा ने कहा कि हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन सरकार इन कलाकार के लिए और बेहतर सुविधा दे तो बहुत सी प्रतिभाएं सामने आएंगी। मौजूदा समय में सभी विद्या के कलाकारों का पॉलिटिक्स की तरह बढ़ रही रुझान को लेकर उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है और ठीक उसी तरह कलाकार का अपनी कला में परंपरागत होकर उसको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को लगता है कि पॉलिटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छे से निभा सकता है तो वह जाए उसके बारे में वह क्या कह सकती है। हालांकि उन्होंने अपने बारे में कहा कि अभी फिलहाल उनका पॉलिटिक्स की तरफ कोई भी रुझान नहीं है। सिद्धार्थ नगर में क्या आज कुछ नया बोला है? जी बिल्कुल, सिद्धार्थ नगर में आज तो होगा धमाका हमारे भजनों से। जरूर सुनाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है बट कोशिश है कि उस दिन लोग फिर से दिवाली मनाएंगे तो एक बहुत ही खुशी की चीज़ हुई है जो कि बहुत पहले होनी थी लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। सिद्धार्थ नगर महोत्सव में आई हैं, बुद्ध की धरती है, क्या कहें? बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि इधर मैं जिधर भी जा रही हूँ, एक तो मैं जानी गई लोगों के बीच राम जी के भजन से और ऊपर से इतने पवित्र पवित्र जगह पे मैं जा रही हूँ तो बहुत ही खुशनसीब हूँ। यूपी सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? यूपी सरकार इज़ वर्किंग रियली रियली वेल और सबको पता है और सब जानते हैं कि सरकार हमारी कितना काम कर रही है। योगी जी इट्स काइंड ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियन, तो यूपी सरकार तो बहुत अच्छी है। यूपी के कलाकारों को बढ़ाने के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांगना चाहिए? साथ देना चाहिए बिल्कुल, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा म्यूज़िक स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को फंडिंग की भी ज़रूरत है किसी कलाकार को तो वो भी करना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में जो कलाकार हैं उनका रुझान बढ़ते जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जो भी कलाकार हों चाहे जिस भी जाते हैं उनको पॉलिटिक्स में सक्रिय? देखिए ये सब अपने अपने इंडिविजुअल का अपना अपना डिसीजन होता है। अगर कोई संगीत के साथ साथ कोई और भी कार्य करना चाहता है तो उसमें मैं कुछ किसी को डिसीजन सलाह नहीं दे सकती हूँ क्योंकि सबके अपने अपने विचार अपने अपने कार्य होते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सिद्धार्थ